जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं दिलकश और आप लोगों का स्वागत करता हूं दिलकश एजुकेशनल में। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी अहम चीज़ पर डिस्कस करने आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 12th का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका जो है सो सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये बखूबी समझें कि आपका जो सिलेबस है वो कैसे है। चूँकि आप पढ़ाई कितने भी जान लगा के करें, कितने भी अच्छे तरीके से करें, लेकिन सिलेबस अगर आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि किस चैप्टर से, किस पार्ट से कौन कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, तब तक आप किसी भी चीज़ को टारगेट करके आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आप भले पास तो हो जाएंगे, हो सके तो 60% मार्क्स भी ला लेंगे, लेकिन 80% 90% तक आप नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, पास भी अगर होना है आपको तो सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। कि सिलेबस देख लें तो हमें ये पता चल जाता है कि जो है सो कौन कौन सा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सभी चैप्टर तो मजबूत नहीं होता है ना। किसी का वॉइस मजबूत होगा तो कॉम्बिनेशन जो सेंटेंस है वो नहीं होगा, तो किसी का प्रीपोजिशन होगा तो वॉइस मजबूत नहीं होगा। तो मतलब बंदे को मालूम चलता है कि जो सिलेबस के अनुसार से जो मार्क्स है जो हम जानते हैं उस हिसाब से हम कितना स्कोर कर सकते हैं और कितना हमको बाकी रह जा रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हम यहाँ पर 2019-20 सेशन के लिए ये हम जो है सिलेबस बता रहे हैं। हालांकि आगे भी यही रहेगा, लेकिन हम नहीं कह सकते 2021 में क्या रहेगा, चूंकि कहीं बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 में जो एग्ज़ाम देंगे, 2019-20 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाइए और रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करिएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्यों अच्छी लगी या क्यों बुरी लगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे सबसे पहले, आज दो पार्ट में, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, और देन बताएंगे हम सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर। तो हमारा जो सबसे पहले आपको वॉइस जो होता है, वॉइस से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, वॉइस से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में हुम हुज इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं, एक मिनट, हुम हुज प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर देखिए सी इज़ द गर्ल हुज नेम इज रवि, हुज जो आ रहा है वो कॉम्बिनेशन कर रहा है सेंटेंस का, तो उस टाइप के जो है सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रीपोजिशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रीपोजिशन होता है जैसे एट कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, ये सब प्रकार के, जैसे पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द गंगा, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, टू द बैंक ऑफ द गंगा, मतलब क्या लगाना चाहते हैं आप, मतलब प्रीपोजिशन उसको कहते हैं। तो उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वर्ब फॉर्म होता है, उसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मतलब वर्ब फॉर्म कहने का मतलब कि आप कौन सा वर्ब कहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा वर्ब कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे कहाँ हैड लगाना है, कहाँ विल लगाना है, कहाँ कम, कहाँ कम्स, कहाँ डू, डोंट। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड जो फिल करने के लिए आपको आएंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। मतलब उसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करने वाला होगा, तो वो 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, आर्टिकल्स जो होंगे वो 1 मार्क्स के, आर्टिकल में ए, एन या द होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आर्टिकल का जो है सो वीडियो बनाया है, 2 वीडियो है आर्टिकल का। दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये 1 नंबर तो पक्का है। ठीक है, और कहीं भी आपको लाइफ में कहीं भी ए एन द से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं आएंगी अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ। चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट होगा आर्टिकल का, उसमें जाके वीडियो देखिए। ठीक है, और तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। करेक्ट सेंटेंस जो है, सेंटेंस करेक्ट करने का मतलब कोई सा भी ट्रांसलेशन वाला वर्ड होगा, 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, चारों में से कोई एक ही सही ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, मतलब और सब जो है सो कुछ गलत होगा, किसी में एस छूटा होगा, किसी में ए नहीं होगा, किसी में एन होगा, इस तरह का मतलब जो है करेक्ट सेंटेंस करने वाला होगा। तो वो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है ग्रामर का। ठीक है, सॉरी, खांसी सर्दी थोड़ा हो गया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस का 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद में वर्ड जो है 2 मार्क्स का वर्ड भी पूछा जाएगा। वर्ड मीनिंग कहने का मतलब कि वर्ड फील करना रहेगा कि सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसका क्या होता है। ठीक है, वर्ड पूछा जाएगा। जैसे कि 2019 में क्वेश्चन आया था,
2019 के एग्जाम में कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश, मतलब जो एक साथ में काम करते हैं एक ही डिपार्टमेंट में उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर था कलीग्स। तो ये भी वर्ड है, मतलब कलीग्स, मतलब आपसे पूछा जा रहा है एक साथ जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कलीग्स कहा जाता है, तो वर्ड का है। और एक मतलब इस तरीके से भी आता है कि कैसे जो है सो कौन सा इसमें वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है उसको खोज के और सही जो है उसको करिए, तो 2 मार्क्स का वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में नरेशन आपको 2 मार्क्स का आएगा, इनडायरेक्ट 1 मार्क्स का और डायरेक्ट 1 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वीडियोज़ आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑक्सिलियरी वर्ब जैसे कि कैन, कुड, उसके बाद में इस तरह से शुड, उसके बाद में इस तरह के वर्ड है जो वुड, इस टाइप के वर्ड्स जो है वो 1 नंबर का पूछा जाएगा, इस टाइप का जो है सो ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिला के ये हो जाएंगे आपको 50 नंबर का ये हो जाएगा, सॉरी 30 नंबर का ये हो जाएगा, ये टोटल आपको जितना ऊपर से ग्रामर। उसके बाद में 20 नंबर का आपको पूछा जाएगा प्रोज एंड पोएट्री, मतलब प्रोज जो होगा आपके रेनबो बुक का प्रोज एंड पोएट्री, और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक आता है उसमें का, तीनों मिला के आपके पास 20 मार्क्स का जो है सो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप बुक को क्लियर रखिए, तो 50 नंबर ये हो जाएगा और 50 नंबर का ये हो जाएगा 20, और ये टोटल ऊपर जो है 30, 50 नंबर का ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों सब्जेक्टिव में, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव में आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा एसे। एसे आपको लिखना होगा 1 of 5, मतलब 5 ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। एसे के लिए 5 ऑप्शंस होंगे और आपको एक को अटेम्प्ट करना है कि नहीं, 5ों में से कोई भी एक जो आता है आपको वो अटेम्प्ट करिए, 8 मार्क्स का एक होगा, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन प्रोज लाइंस, मतलब प्रोज जो रेनबो बुक है आपका उसमें जो प्रोज सेक्शन है जिसमें कहानी स्पीच वगैरह है उसमें से कोई भी लाइन किसी भी जो है पार्ट का, किसी भी लेसन का लाइन एक दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मतलब आप उसको एक्सप्लेन करिए कि ये किस मतलब दिशा में कहा गया, किस बारे में कहा गया है, किस लेसन का है, बस ये सब लिख दीजिए 50 से 60 वर्ड में। आपको ये है सो 4 मार्क्स का ये होगा क्वेश्चन, और 1 of 3 है, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, उन तीनों में से कोई एक को आप बना दीजिए, ठीक है। 3 ठो होगा, 3 में से कोई 1 को बना दीजिए, आपका 4 मार्क्स का ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन पोएट्री लाइंस, तो एक्सप्लेन पोएट्री लाइंस में भी सेम है इसी प्रकार से, बस यहाँ पर प्रोज था कि जो कहानी वगैरह थी, और पोएट्री मतलब रेनबो वाला जो सेक्शन भी है पोएट्री मतलब जिसमें कविताएं हैं, ठीक है, पोएट्री है, पोएम्स है, उसमें का कोई भी लाइन दे देगा उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो बस उस तरह से आप एक्सप्लेन करिएगा। इन सारी इस सभी वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 नंबर 3 रहेगा और 1 को बनाना है, 3 क्वेश्चन रहेगा, 1 कोई भी जो आता है आप कर दीजिए उसको अटेम्प। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको लेटर 2 ठो आएगा क्वेश्चन, ठीक है, 2 ठो दोनों में से कोई 1 बनाना है, लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, ये 5 मार्क्स का आता है और एकदम डेफिनेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है कि आपको ये बोनस है या फिर रिजर्व कह सकते हैं कि आपके लिए, मतलब पढ़ें या ना पढ़ें, अगर याद भी कर लेते हैं तो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेनबो बुक क्वेश्चंस, रेनबो का जो बुक है उसमें जितना भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना भी पोएट्री या पोएम, ठीक है, पोएट्री या पोएम, फिर से सुनिए, पोएट्री या प्रोज या पोएट्री का जो है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन जो होता है ना लास्ट में लेसन बाय लेसन क्वेश्चंस होते हैं, उनको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 10 नंबर आपको मिल जाएगा रेनबो बुक क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो इसको भी आपको अटेम्प्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब प्रोज एंड पोएट्री समरी, ठीक है, तो प्रोज और पोएट्री समरी, मतलब प्रोज का या पोएट्री का समरी आपको लिखना है, 5 मार्क्स का होगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं जगह के कारण। 6 आपके पास ऑप्शंस होंगे, मतलब 6 देखिए 3 प्रोज का होगा, 3 प्रोज का होगा और 3 होगा पोएट्री का, तो जो आपको तीनों 6 जो होंगे 6 में से कोई भी 1 अगर याद है आपको पोएट्री का हो या प्रोज का कोई भी एक, उसको आप लिख दीजिए, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 1 आपको अटेम्प्ट करना है 6 में से 1।
तो काफ़ी आसान हो चुका है अब पहले की अपेक्षा बिहार बोर्ड का ये इंग्लिश का जो है सिलेबस और भी बाकी सारी चीज़ों का। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑन इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन, तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो एक बनाएंगे जो कि हर एक साल दो क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेते हैं तो उसमें से कॉन्फिडेंटली आपका 5 मार्क्स आएगा ही, इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो उस प्रकार से तो उसका वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं, और हो सके तो आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आ भी चुका होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लिश इन इंडिया, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, व्हाई इज इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इस प्रकार से कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों में से कोई भी एक आपको जो याद है उसको अटेम्प्ट करना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में बात आती है बुक एंड ऑथर, ठीक है, बुक एंड ऑथर और ट्रांसलेशन, मतलब बुक एंड ऑथर या ट्रांसलेशन, यहाँ पर दो चीज़ आपको 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जो है बुक एंड ऑथर, ठीक है, तो बुक एंड ऑथर जो है, तो अगर आपको बुक एंड ऑथर है तो आप बुक एंड ऑथर बनाइए तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो ट्रांसलेशन बनाइए, मतलब दोनों में से कोई एक बनाइए तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि बुक एंड ऑथर अगर आप बनाते हैं तो 5 बुक एंड ऑथर दी होंगी और 5ों के 5ों आपको बनाना होगा तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपको 8 होगा ट्रांसलेशन, उनमें से कोई भी 5 बनाइएगा तो आपको जो है सो 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कौन सा अच्छा है, ट्रांसलेशन की अपेक्षा अगर आप देखा जाए ग्रामेटिकली अगर आप सही से स्ट्रांग नहीं है तो बुक एंड ऑथर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ होगी, ठीक है। अब उसके बाद में बात करेंगे पैसेज और राइट प्रेसिस, ठीक है, पैसेज और राइट प्रेसिस है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 4 मार्क्स का होगा ये। तो यहाँ पर है कि पैसेज है जो गद्यांश जिसको हम कह सकते हैं, कि मतलब पैसेज एक दिया हुआ है उसको पढ़ के नीचे में जो 4 क्वेश्चंस है उसका आपको आंसर देना है उसी में से ऊपर से पढ़ के, तो उसको बनाइए, या फिर राइट प्रेसिस करना है, ठीक है। राइट प्रेसिस कहने का मतलब कोई लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंसेस है, कुछ पैराग्राफ है, उसको आपको प्रेसिस करना है, शॉर्ट करना है, उसका एक टाइटल देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पैसेज बनाते हैं तो पैसेज पढ़ के नीचे 4 क्वेश्चन होंगे और चारों में के चारों बनाते हैं आप 4ों का, तो जाके 4 मार्क्स मिलता है, 1 क्वेश्चन बनाएंगे तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, 3 बनाएंगे तो 3 मिलेगा, 4 बनाएंगे तो 4 मिलेगा, मतलब पैसेज का 4ों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा आपको, पैसेज पढ़ के नीचे वाले 4ों क्वेश्चन को, तब जाके 4 मार्क मिलेगा। और अगर राइट प्रेसिस करते हैं तो प्रेसिस 1 of 1, ठीक है, मतलब प्रेसिस है उसका शॉर्ट कर देना है, उसके बाद में उसको सूटेबल एक टाइटल दे देना है, तो वो 1 में 1 है। तो अगर आप ग्रामेटिकली या फिर मेरे हिसाब से पैसेज प्रेसिस के अपेक्षा पैसेज ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब प्रेसिस जितना अटेम्प्ट करने में आपको टाइम लगेगा उससे कम टाइम में आपका पैसेज हो जाएगा, अगर मेरी माने तो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपको अब मालूम है कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है और आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या क्या आप मतलब कंप्लीट है, कौन कौन से कहाँ तक, मतलब कितना मार्क्स अभी आप ला सकते हैं, और आगे आपको 90% 80% लाने के लिए कौन कौन से और भी जो यहाँ पर दिए गए हैं उन सारे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, किस किस चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की 12th से रिलेटेड सभी वीडियोज़ हमारी आएंगी जल्दी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।